हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम फिर से आप सब लोगों के लिए एक न्यू रील्स वीडियो लेकर के आए हैं। आपने स्टार्टिंग में देख लिया कौन सा, तो चलिए जानते हैं इस पे वीडियो कैसे बनाना है। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले हम अपने VN ऐप को ओपन करेंगे। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद ओपन करना, ऐड आएगा उसको स्किप कर देना है। ये ओपन हो चुका है हमारा VN ऐप। अब यहाँ पे प्लस के आइकन पे टैप करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ से हम अपना वीडियो सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई सा भी अपना खुद का वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको जिस भी वीडियो में बनाना है वो वाला वीडियो आप सेलेक्ट कर लेना, नॉर्मल चलते हुए स्लो मोशन में। आप जैसे भी चाहो वैसे वीडियो शूट कर सकते हो, यहाँ पे डिपेंड है आपको कैसे शूट करना है अपने वीडियो को। हमने कुछ इस तरह से चलते हुए स्लो मोशन में अपना वीडियो शूट किया है, तो हमने यहाँ पर दो वीडियो सेलेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आपका वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट होकर के ऐड हो जाएगा। तो हम इसको सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे क्या करना है। ऐड करने के बाद ये देखिए, हमने कुछ इस तरह से स्लो मोशन में चलते हुए ये वीडियो शूट किया। पहले हमको ये वाला पार्ट चाहिए, बैक वाला आगे चाहिए और फ्रंट वाला पीछे चाहिए। तो ये अभी नॉर्मल वीडियो है, तो कुछ इस तरह से हमने इसको चलते हुए शूट कर लिया है। ये भी देखिए, ये भी नॉर्मल वीडियो है, ये हमने शूट कर लिया है। यहाँ से इसके ब्लैक वाला जो ये आपको दिख रहा है वाटरमार्क ऐप का, इसको हम सबसे पहले टैप करके डिलीट कर देंगे और यहाँ से इसके साउंड को म्यूट कर देंगे। ये इतना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से इसके ओरिजिनल रेशियो को चेंज करके हम 9:16 कर लेंगे। उसके बाद ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम सबसे पहले वीडियो को स्लो मोशन कर लेते हैं। तो यहाँ वीडियो पर टैप करेंगे, स्पीड में जाएंगे, यहाँ रेगुलर में जा करके हम वीडियो को स्लो मोशन कर देंगे और स्लो मोशन करके यहाँ से डन कर लेंगे। आप जितना चाहे उतना स्लो मोशन कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको डन कर लेते हैं स्लो मोशन करके। ये वीडियो हो चुका है स्लो मोशन। ये सेकंड वाले वीडियो को भी हम स्लो मोशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्पीड में जाएंगे, फिर से रेगुलर में जाके यहाँ से जितना चाहे उतना स्लो मोशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम म्यूजिक ऐड करेंगे, तो यहाँ पे टैप टू ऐड म्यूजिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे म्यूजिक में जाएंगे और प्लस के आइकन पे टैप करेंगे, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो में जाएंगे। हमने पहले से ही डाउनलोड करके एक वीडियो रखा, उसमें हमारा म्यूजिक है। ये म्यूजिक अभी इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो आप इस पर जरूर से जरूर वीडियो बनाना। तो यहाँ पे हमने उस म्यूजिक को, यहाँ पे ऐड हो चुका है हमारा ये म्यूजिक। अब यहाँ से इसको चूज कर लेते हैं और यहाँ से ये चूज करके डन कर लेंगे। म्यूजिक हमारा ऐड हो चुका है। अब आप देख सकते हैं हमारा म्यूजिक काफ़ी छोटा हो गया है हमारे वीडियो के अकॉर्डिंग। तो इसको हम सेट करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे हम वीडियो में सारा कुछ पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते जाएंगे हमने अपने इस वीडियो में क्या क्या किया है, कहाँ से कट किया है, कहाँ से शॉर्ट किया है और क्या क्या कौन कौन सा इफेक्ट यूज़ किया है इस वीडियो में। मैं सारा कुछ यहाँ पे आपको बता दूंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप आराम से ये वीडियो शूट कर सकते हो और बना सकते हो और इंस्टाग्राम पर ईजी तरीके से पोस्ट कर सकते हो। तो चलिए हम जल्दी से कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसको करके हम आपको जल्दी से बता देते हैं क्या क्या करना है। यहाँ पे सिंपली हमने सारा कुछ ऐड कर लिया। अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे हमने क्या क्या ऐड किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ से हमारा ये पहला वाला वीडियो है, इसको हमने यहाँ से स्पीड में इसका कम किया है, इतना कम किया है इसको, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। और सेकंड वाले वीडियो के स्पीड को हमने इतना कम किया है। ये हो चुका है, स्लो मोशन कर लिया हमने अपने वीडियो को। अब यहाँ पे ये फर्स्ट वाला वीडियो हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमिंग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 7:42 सेकेंड का ये अपना फर्स्ट वाला वीडियो रखा है और सेकंड वाला वीडियो है हमारा 11:99 सेकंड का। तो ये हो चुका है कंप्लीट इतना हमारा। उसके बाद यहाँ पे हम अपने सेकंड वाले वीडियो के पास आएंगे जहाँ से हमारा सेकंड वाला वीडियो स्टार्ट हो रहा है। उसमें आपका प्रॉपर स्काय अच्छे से दिखना चाहिए। अगर आपको स्काय ऐड करना है तो आप नहीं भी कर सकते, आपको मन नहीं है तो। हमने इसमें स्काय भी ऐड किया, तो यहाँ पर आ जाएंगे इस लाइन को, व्हाइट वाले लाइन को कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा लेंगे और यहाँ पर आकर के हम, यहाँ पर आकर के हम यहाँ पर PIPN स्टीकर वाला इस पर टैप करेंगे, वीडियो फोटो में जाएंगे और यहाँ से वीडियो में हमने एक वीडियो डाउनलोड करके रखा है स्काई वाला, वो हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो हमने इसको ऐड कर लिया, आप देख सकते हैं हमने यहाँ से पहले से ये वाला स्काई वाला ऐड करके रखा है, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए बस फिर से ऐड करके आपको बता रहे हैं क्या करना है। तो यहाँ पर हमने स्काई वाला वीडियो ऐड किया, इसको कुछ इस तरह से आपको जूम कर लेना है और जूम करके नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। इसी स्काई वाले वीडियो पर टैप करके यहाँ मास्क में आना है, लाइनर पर जाकर डबल टैप करना है और स्क्रॉल करते हुए इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है और इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है और यहाँ से डन कर देना है। ये हो चुका है हमारा।
स्काई वाला वीडियो यहाँ पे सेट हो चुका है। और यहाँ से इसी स्काई वाले वीडियो पे टैप करके नीचे ब्लेंडिंग में जाएंगे और यहाँ से मल्टीप्ले वाला चूज करके ड्यूरेशन को फुल करके डन कर देना है। ये हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे इसको जूम करके कुछ इस तरह से अपने स्काई में अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए, जहाँ से भी आपके फेस पे नहीं पड़े अच्छे से आपको एडजस्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पे ये स्काई वाला वीडियो ऐड कर लिया, आप देख सकते हैं ये ऐड हो चुका है। और यहाँ पे हमारे फेस पे पड़ रहा था, अगर आपके प्रॉपर वीडियो में अच्छे से स्काई दिख रहा है तो आपके फेस पे स्काई नहीं आएगा। यहाँ पे मेरे फेस पे स्काई था इसलिए हमने इसको यहाँ पे स्प्लिट करके फिर से इसको थोड़ा ऊपर करके लगाया, स्काई को यहाँ पे थोड़ा नीचे करके यहाँ पे थोड़ा ऊपर करके हमने लगाया, इसलिए इसको स्प्लिट करके हमने अलग अलग भाग में लगाया है। आप पूरे वीडियो में लगा सकते हैं एक साथ। ये कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ये फर्स्ट वाला वीडियो यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे इसके लास्ट पार्ट में आके यहाँ पे आपको 6.56 सेकंड पे आकर के यहाँ से एफएक्स में जाना है। यहाँ से हम व्हाइट वाला चूज करेंगे एफएक्स, और इसके ड्यूरेशन को ग्रीन वाला जो लेंथ है इसको पूरा लास्ट तक एंड तक लगाएंगे, और इसके ये वाला जो ग्रीन वाले का लेंथ है 1.94 सेकंड रख के यहाँ से डन कर देंगे। ये हो चुका है इतना हमारा कम्प्लीट। और यहाँ पे जो प्लस का आइकन हो रहा है इस पर टैप करके ये ब्लर वाला हम चूज करेंगे, और इसके ड्यूरेशन को हम, ये रहा ड्यूरेशन, इसके ड्यूरेशन को हम 2.22 सेकंड करके डन कर देंगे। ये हो चुका है इतना कम्प्लीट। फिर कुछ इस तरह से ये आने वाला है। ये हो चुका है, आप देख सकते हैं। एक बार स्टार्टिंग से प्ले करके देखते हैं हमारा वीडियो कैसा बना है। अब यहाँ से एक्सपोर्ट पे टैप करके हम इसको सेव कर लेंगे। ये हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा। इस वीडियोस में हमने म्यूजिक, स्काई, जो भी इस वीडियो में हमने यूज़ किया है, जो भी मटेरियल यूज़ किया है, सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वो आपको लिंक, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ओरिजिनल म्यूजिक का लिंक भी आपको वहीं से मिल जाएगा। आप सारा कुछ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।